वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज क्लास नाइन्थ स्टैंडर्ड के चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का साइटोप्लाज्म टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। साइटोप्लाज्म सेल का पार्ट हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे सेल को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पे। फर्स्ट हो गया उसका न्यूक्लियस, सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह वगैरह, और बीच का जो मटेरियल हो गया दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में होता क्या है? तो ये जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है जो कहां पे प्रेजेंट है? तो ये आपका है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इन बिटवीन जो मटेरियल प्रेजेंट है जेली लाइक, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। सारे सेल में प्रेजेंट रहता है ये। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस बीच के मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक तो हो गया कि ये जेली लाइक होगा, ठीक है। इसमें दो तरह के मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे, दो, एक तो मैट्रिक्स हो जाएगा, इसमें एक मैट्रिक्स हो जाएगा, और दूसरा रहेगा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। प्लस में इसमें सेल इंक्लूजन भी होता है, जो सेल इंक्लूजन आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो और भी कुछ ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, आयल ड्रॉपलेट्स, फूड। तो मेनली आपको जितना जानना है वो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के इनसाइड में रहेंगे। और मैट्रिक्स एक्चुअल में ये लिक्विड होता है, ऑर्गेनेल में सारे वर्क होते हैं, और वर्क होने के समय जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, सपोज कीजिए कि प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड चाहिए, तो वो इस मैट्रिक्स से ये लेगा, ठीक है। ग्लाइकोजन बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए, वो इस मैट्रिक्स से ये लेगा। एक्स्ट्रा कुछ बना तो वो इस मैट्रिक्स में ही दे देगा। तो यानी कि ये स्टोरिंग, स्टोरेज है, ये स्टोरेज है और यहां पे वर्किंग वर्किंग प्लेस है, ओके। तो इस तरह से मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, सेल इंक्लूजन, डिफरेंट टाइप के सेल पार्टिकल्स इसमें भरे पड़े रहते हैं, ओके। तो इसलिए ये जेली लाइक लिखता है, एकदम लिक्विड टाइप का नहीं होता है, जेली लाइक होता है। और इसमें डिफरेंट टाइप के सेल मटेरियल्स रहते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रीड इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ये वाला पोर्शन आपका साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म बीच वाला, उसको मेंशन कर दीजिए। डेट्स ऑल फॉर दिस।